Hello, everyone. Good evening. वेलकम टू एम बाइव आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है एम बाइव के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत है जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ चुके हैं सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं सभी को गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है आज की तारीख यहाँ पर बनती है फर्स्ट ऑफ जन फर्स्ट ऑफ मार्च और पहली मार्च यानी कि फर्स्ट ऑफ मार्च की तारीख जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर्स बनता है सब पर करेंगे डिटेल में डिस्कशन आप सभी के साथ तो वेलकम टू यू ऑल एक बार जल्दी से सभी लोग जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक ना किया हो डू लाइक द सेशन एक बार फटाफट से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग सेशन की लिंक को शेयर कर सकते हैं तो एक बार फटाफट से सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा और तीसरा काम जो आप सभी को करना है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तारीख आपकी यहाँ पर बनती है आज की फर्स्ट ऑफ मार्च तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं सेशन की शुरुआत सभी लोग जल्दी से यहाँ पर कनेक्ट कर लें सेशन के साथ जल्दी से यहां पर जुड़ जाएं सभी का वेलकम है सभी को यहां पर गुड इवनिंग गुड इवनिंग धनंजय जी राधिका यादव जी गुड इवनिंग सभी को यहां पर गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग तो सभी लोग तैयार हैं सेशन के लिए रेडी हैं दिन से ये एवरी वन येस वी आर रेडी सर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे लास्ट सेशन का एक बार रिविजन कि लास्ट सेशन में हमने जो भी करंट अफेयर्स न्यूज का डिस्कशन किया था उसका हम लोग करेंगे यहां पर रिविजन नमन बंसल जी जय हिंद और फिर उसके बाद करेंगे आज की लेटेस्ट करंट अफेयर्स की शुरुआत ओके एवरीवान चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम का एनालिसिस है आप सभी के सामने उसमें आपने यहां पर देखा कि प्रीवियस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए वो आप सभी के सामने हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनता है आपके एग्जाम का तो आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की यहां पर जरूरत है ठीक है एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पर दिलाने की क्षमता रखता है ये सब्जेक्ट तो इस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत कीजिए बेहतर तैयारी इस सब्जेक्ट की आपको एग्जाम में सफलता दिला सकती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहां कहां और कितना करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस तो आपको पता है ही शानू सिंह जी गुड इवनिंग पूजा रॉय जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग सभी को शुभ संध्या चलिए शुरुआत करते हैं सभी लोग आ ही चुके हैं तो चलिए प्रीवियस क्लास का रिविजन करेंगे और लास्ट सेशन में जो भी करंट अफेयर्स न्यूज हमने डिस्कस की थी उसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिविजन करेंगे कि आपको अभी कितना याद है कहीं भूले तो नहीं क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने आंसर दीजिएगा Which of the following states recently has confined recently has confined field test of a pink bollworm resistant genetically modified cotton approved by the GEAC? ध्यान से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि हाल ही में pink bollworm यानी कि जो गुलाबी कलर की सुंडी होती है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं ये गुलाबी कलर की सुंडी cotton की क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाई कॉटन यहाँ पर अप्रूव किया गया है टेस्टिंग के बाद इसके फील्ड ट्रायल के लिए यहाँ पर किस राज्य को चुना गया है तो हरियाणा के हिसार में इसका फील्ड ट्रायल यहाँ पर शुरू हुआ सब कुछ ठीक रहा तो ऐसी कॉटन की वैरायटी आपकी यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकेगी जिस पर इस आ, पिंक सुंडी का असर ना हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा कॉटन का राइट right? Uh, who among the द रिसम द फर्स्ट एशियन मेल टू विन दी अवार्ड इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री फटाफट से आंसर यहाँ पर दीजिएगा कि हाल ही में, में पहले एशियाई मेल पर्सनालिटी जो आपकी यहाँ पर बनी है जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है फर्स्ट एशियाई मेल जिन्हें यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन आप सभी के सामने हैं के हुई कुंग शाहरुख खान ली जंग जे और फवाद खान सही जवाब यहां पर क्या बनेगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर वेरी गुड एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली डिवेलप्ड वायु लिंक इज लिंक क्या है हाल ही में वायु लिंक को आपके यहां पर डिवेलप किया गया है यह क्या है ये बेसिकली एक जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम है ये एक ड्रोन मैनेजमेंट सिस्टम है यह एक एग्रीकल्चरल लिंकिंग टेक्नोलॉजी है या फिर बल्क मैसेजिंग लिंक सिस्टम है क्या है वायु लिंक जो कि भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स को पायलट्स को बेस स्टेशन से जोड़कर रखेगा जैमर प्रूफ और बेहतरीन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा वॉर के दौरान हिल्स एरिया में उड़ान भरने के दौरान शानदार कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू लेयर ऑफ अर्थ इनर कोर निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के इनर कोर में पृथ्वी के इनर कोर में एक नई लेयर को यहाँ पर फाइंड आउट किया है तो यहाँ पर किस देश के वैज्ञानिकों की बात की जा रही है यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा और यूके किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसेंटली आपको यहां पर फाइंड आउट किया है अर्थ के इनर कोर में एक नई को आउट किया है सही जवाब यहां पर क्या बनेगा मैक्सिमम लोगों ने कल यूके आंसर दिया था बट इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया तो आज लगभग सभी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया आंसर किया है जो कि यहां पर बिल्कुल सही है वेरी गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग रघुनंदा शास्त्री जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन Which following सेट ऑफ स्टेट हैज रिसेंटली बिगन द फर्स्ट सेंकनाइज वर्ल्चर सर्वे यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखकर बताना है कि किन राज्यों ने हाल ही में शुरू किया है सेंकनाइज वर्ल्चर सर्वे तीनों राज्य मिलकर एक साथ एक ही समय पर यह सर्वे कंडक्ट करेंगे ताकि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा आपकी यहाँ पर ना हो सर धोखा एक बार होता है धोखा एक बार हो तो वो गलती है ठीक है कोई बात नहीं और अगर बार बार हो तो वो गुनाह होता है है कि नहीं प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है कि गलती एक बार हो गई ठीक है प्रैक्टिस किया गलती को सुधार लेंगे लेकिन अगर एक ही गलती बार बार हुई तो फिर वो धोखा नहीं वो गुनाह होता है है कि नहीं चलो सही जवाब यहां पर क्या बनेगा केरला तमिलनाडु और कर्नाटका जो वेस्टर्न घाट्स के स्टेट्स आपके यहां पर बनते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में शहयाद्री माउंटेन सीरीज में जो वल्चर आपके यहां पर पाए जाते हैं उनकी काउंटिंग यहां पर होगी श्रंखेनाइज सर्वे के माध्यम से तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर तो टोटल फाइव एम का डिस्कशन यहाँ पर पूरा हुआ यहाँ तक का सेशन अगर सभी को क्लियर रहा है देन डू लाइक द सेशन वन एक बार फटाफट से सेशन को लाइक यहां पर जरूर कर दीजिएगा चलिए आज के करंट अफेयर्स न्यूज का डिस्कशन यहाँ पर शुरू करते हैं और सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं तो चलिए आज यानी कि फर्स्ट ऑफ मार्च को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे यहां पर बनते हैं उनके बारे में यहां पर करेंगे फटाफट से डिस्कशन सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फर्स्ट ऑफ मार्च तो आज आपका यहां यहां पर पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन डे भी आपका मनाया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव पक्षपात तो दुनिया में लोगों के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस बात के लिए लोगों को अवेयर करने का प्रयास रहता है साथ ही साथ आज वर्ल्ड सी ग्रास डे भी है समुद्र के नीचे तलहटी में जो आपकी समुद्री घास जिसको यहाँ पर बोला जाता है सी ग्रास ये समुद्री इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है तो आज उसका दिवस भी है साथ ही साथ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी आज ही की तारीख यानी कि फर्स्ट ऑफ मार्च को आपका यहाँ पर मनाया जा रहा है तो इन तीनों इंपॉर्टेंट डेज पर हम लोग करेंगे आप सभी के साथ डिस्कशन बने रही हमारे साथ चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे ओके ऑन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की फर्स्ट ऑफ मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका यहाँ पर मनाया जाता है वी सेलिब्रेट द राइट टू एवरी वन टू लिव सबको जीवन जीने का अधिकार है अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ सबको अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने का अधिकार है पूरी तरीके से फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ जीने का अधिकार है एंड डिग्निटी आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है तो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव पक्षपात नहीं होना चाहिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हाईलाइट्स हाउ पीपल कैन बिकम इंफॉर्म्ड अबाउट एंड प्रमोट इनक्लूजन कम्पैशन पीस अबब ऑल अ मूवमेंट फॉर द चेंज तो लोगों के साथ किस तरीके से सबको साथ लेकर आगे बढ़ना शांति सद्भाव इन सबको प्रमोट करने का काम करता है ये इंपॉर्टेंट डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज़ हेल्पिंग टू क्रिएट अ ग्लोबल ये एक ऐसा विश्व बनाने का प्रयास है ग्लोबल मूवमेंट ऑफ सॉलिडैरिटी टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर हर तरीके का भेदभाव आपका खत्म हो जातिगत भेदभाव हो आ, या फिर जेंडर के आधार पर भेदभाव हो लोकेशन के आधार पर भेदभाव हो कंट्री के आधार पर भेदभाव हो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए गुड इवनिंग शालिनी जी गुड इवनिंग थीम इम्पॉर्टेंट बनेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम आपके यहाँ पर बनती है सेव लाइफ डिसक्रिमिनालाइज यूनाइटेड नेशन नहीं यहां तक है इसकी थीम सेव लाइफ ठीक है सेव लाइफ जीवन को बचाना है ठीक है यह इसकी पूरी की पूरी थीम बनेगी याद रखेगा यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स की बात की जा रही है एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशेंसी सिंड्रोम अच्छा वर्ल्ड एड्स डे आपका कब मनाया जाता है एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए वर्ल्ड एड्स डे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा हाईलाइट्स हाउ द डिस्क्रिमनाइजिंग की पॉपुलेशन एंड पीपल लिविंग विद एच आई वी सेवस लाइफ एंड एडवांस एंड एंड ऑफ द एड्स पेंडेमिक तो बेसिकली यहाँ पर एड्स बीमारी को भी लिया गया है कुछ लोगों के साथ बीमारी के आधार पर भी भेदभाव होता है जैसे कि हम एड्स बीमारी की बात करें जिसको एड्स होता है लोग उससे दुनिया बना रखते हैं कि कहीं उन्हें ना हो जाए उनका उनकी अलग चिंता रहती है लेकिन एड्स कभी भी छूने से और उस तरीके से नहीं फैलता है, है ना जब तक हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए तो बेसिकली यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उसको भी प्रमोट करने की कोशिश है उन लोगों को अकेला फील ना हो और अब कुछ ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं आप कुछ मेडिसिन यहाँ पर ले सकते हैं जिससे आप एड्स के साथ साथ जी सकते हैं है ना चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे जो आज की तारीख का यहाँ पर बनता है वो है वर्ल्ड सी ग्रास डे सी ग्रास का मतलब है समुद्री घास से जो समुद्र की तलहटी पर समुद्र की सतह पर देखने को मिलती है ठीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्यों देखेंगे वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड एनोली हर साल इसे मनाया जाता है फर्स्ट ऑफ मार्च को टू रेज अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए अबाउट द सी ग्रास सी ग्रास के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसकी इम्पॉर्टेंस के लिए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द मरीन इको यानी कि जो समुद्री इको होता है समुद्री जो जल जीवन है वहाँ पर समुद्री घास का जो महत्व है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस दिवस को सेलिब्रेट करें मनाएं लोगों को अवेयर करें द सी ग्रासेस आर ग्रास लाइक प्लांट सी ग्रास होती क्या है बेसिकली ये घास की तरह ही एक प्लांट होता है जो हम मैदान में घास देखते हैं ना घास उगाती है, है। बारिश के बाद हमने देखा होगा पूरा मैदान ग्रीन ग्रीन हो जाता है तो समुद्र के नीचे तलहटी पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी चारों तरफ घास आपको देखने को मिलेगी ये भी ग्रास की तरह ही प्लांट होते हैं लिव क्लोज टू द सी एंड दे आर दी ओनली फ्लावरिंग प्लांट टू ग्रो इन दी मरीन एनवाइ इकलौते फ्लावरिंग प्लांट है जो समुद्री जल जीवन में या समुद्री इको uh, सिस्टम में निकलते हैं देर आर मोर देन सिक्सटी सी ग्रासिस स्पीसीज इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में अलग, अलग अलग प्रजातियों की बात करें तो करीब साठ प्रकार की घास की सी ग्रास की प्रजातियाँ हैं एंड दे एक्ट एज द बेस्ट कार्बन सिंक एंड प्रोवाइड फूड टू मरीन लाइफ कार्बन सिंक का मतलब है कि बेसिकली कार्बन सिंक कार्बन कंट्रोल के लिए भी ये जरूरी है साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सी ग्रास का इस्तेमाल करते हैं मरीन लाइफ को जीने के लिए भी आवश्यकता होती है डुगोंग का नाम आपने सुना होगा एक एनिमल होता है डुगोंग मरीन एनिमल है वो आपका पानी के नीचे समुद्र में रहता है डुगोंग और ये केवल समुद्री घास ही खाता है और क्योंकि ये केवल समुद्री घास खाता है इसलिए डुगोंग को सी काउ भी कहा जाता है समुद्र की गाय भी कहा जाता है ठीक है ना तो वो इस पर निर्भर रहते हैं ठीक है आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की बात करें एक मार्च को आपका ये मनाया जाता है टू रेज दी अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए एंड अबाउट दी इंपॉर्टेंस ऑफ द सिविल डिफेंस सिविल डिफेंस का जो महत्व है उसके महत्व को बताने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए मेजर्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी लोगों का बचाव लोगों का बचाव उनकी संपत्तियों का बचाव उन देश का बचाव ठीक है इसके लिए सिविल डिफेंस बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दी नेचुरल डिजास्टर्स नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं जैसे कि सीरिया और तुर्की में हाल ही में भूकंप आया तो हमने अपनी टीम भेज दी एन राइट एन को भी आप इसी कैटेगरी में ले सकते हैं बाकी कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सेना को बुलाया जाता है आर्मी को बुलाया जाता है जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो आर्मी को वहाँ पर बनाया बुलाया जाता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे दूसरे एक्सीडेंट्स जैसी सिचुएशन हो और कोई भी एमरजेंसी हो राइट right? क्लियर है मेरी बात 2008 जब ताज होटल के अंदर आतंकवादी हमला होता है मुंबई पर आतंकवादी हमला होता है तो फिर वहां पर एन एस जी कमांडोज को बुलाया जाता है क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी ओके द डे ऑनर्स द वर्क ऑफ सेवरल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ये दिन उन सभी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान के लिए होता है जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं द डे ऑल्सो रिकनाइजेज द एफर्ट्स पुट इन बाई दर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट दम्युनिटीज एंड सेव लाइफ ये दिवस उनके लिए भी है कि ये जो सशस्त्र बल होते हैं सैनिक होते हैं सिविल डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं आर्मी होती है लोगों को बचाती है उनका जीवन बचाती है कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है द डे ऑल्सो रिक्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल डिफेंस पर्सनल हु वर्क टायरलेसली टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल वेलबींग ऑफ देयर कम्युनिटी बिना थके रोके काम करते रहते हैं राइट right? क्लियर है थीम की बात कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट डे की जो थीम यहाँ पर बनती है वो है यूनाइटिंग दी वर्ल्ड्स यूनाइटिंग वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ये एक थीम है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस साल वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे थीम आपकी आपके सामने है यूनाइटिंग वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन तो आज तीनों महत्वपूर्ण दिनों पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया और आई होप कि ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज आपको यहाँ पर समझ में आए

अभी रिसेंटली तीन इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम आपके यहाँ पर शुरू किए गए हैं तीनों इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या चीजें हैं क्या वहाँ पर उन प्रोग्राम्स का उद्देश्य है किस तरीके से फिशरीज यानी कि मछली पालन और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में ये सभी प्रोग्राम आपके यहाँ पर हेल्प करेंगे पल्लवी चौबे जी अभी अभी जुड़ी है। हैं गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग चलिए शुरुआत करते हैं हमारे देश के जो यूनियन फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेरी और डेरी मिनिस्टर आपके बनते हैं पुरुषोत्तम रूपाला साहब उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है और लॉन्च किया गया है तीन यानी कि थ्री नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एट द आई सी ए आर सी आई बी ए कैंपस इन राजा अनमलाईपुरम चेन्नई में यहां पर तीन नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए गए हैं फिशरीज सेक्टर को टारगेट करते हुए दीस इंक्लूड इन प्रोग्राम्स में इंक्लूड द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन वाइट ट्रिम्स एक प्रोग्राम सेकेंड वन इज द नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम ऑन फिश डिजीजेस मछलियों की बीमारियों से संबंधित एंड द थर्ड वन इज़ द एक्वा कल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी तो ये टोटल तीन प्रोग्राम है एक एक करके सबको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीज फेज टू की अगर हम बात यहाँ पर करें तो इस सेंक्शन अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रोग्राम हमारे देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और जो किसान मछली पालन करते हैं पिस्की कल्चर करते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी किसान मछली पालन के उद्योग में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है वो पिस्की कल्चर करता है हमारे देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन शुरू किया गया था जैसे हम क्रांति कहते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा जैसे कि आप सभी को याद होगा कि हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया गया था या ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन तो बताइए मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन शुरू किया गया था कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह प्रोग्राम आपके यहां पर शुरू किए जा रहे हैं जिसका मेन फोकस मछली उत्पादन और मछली किसानों को या मछली पालन करने वाले किसानों को लाभ देना है हैज बीन पहला फेज यानी कि फर्स्ट फेज हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस दी 2013 बेसिकली इस योजना के तहत पहला फेज आपका दो पर 2013 से आपका यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है और सेकंड फेज आपका यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा पैन इंडिया पूरे भारत में एन स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट राज्यों के जो भी फिशरीज डिपार्टमेंट है वहां पर टू बी एन इनग्रल सॉरी इंटीग्रल पार्ट ठीक है तो ये सेकेंड फेज आपका यहाँ पर शुरू किया जाएगा हाँ, जितने भी लोगों ने ब्लू रेवोल्यूशन आंसर किया है वो यहां पर बिल्कुल सही है ब्लू रेवोल्यूशन मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था बिल्कुल सही है इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एक्वाटिक एक्वाटिक डिजीजेस इंपॉर्टेंस की बात करें महत्व तो दि, दिस विल बी दी इन स्ट्रेंथ इन दी फार्मर बेस्ड डिजीजेस सर्विलांस सिस्टम फार्मर बेस्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम जहां पर मछलियों मचली और मछलियों से जुड़ी हुई बीमारियों और रोगों से संबंधित चीजों को सर्विलांस पर रखा जाएगा एंड हेल्प इन रिडक्शन दी रेवेन्यू लॉसेज ड्यू टू दी डिजीज़ेस और रोगों की वजह से मछली के उत्पादन में जो कमी आती है मछली मछलियों का जो प्रजनन कम हो जाता है मछलियां मारी जाती हैं बिकॉज ऑफ डिजीज़ेस तो उसको कम करने का प्रयास इस प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा ठीक है एक्सपोर्ट को इनक्रीज करने का प्रयास होगा और किसानों का रेवेन्यू बढ़ाने पर प्रयास होगा बात समझ में आ रही है ओके सेकेंड अगर हम मैं बात करूँ प्रोग्राम की तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन व्हाइट श्रिम्प जो वाइट स्ट्रिम्प होती है उनके लिए जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम तो प्रोग्राम सेंक्शन विद एन आउटले ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव uh, करोड़ पच्चीस करोड़ रुपए का यहाँ पर फंड एलोकेट किया गया है तो फंड इंपॉर्टेंट बनेगा कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए फॉर द इंडियन वाइट स्ट्रम्प जो झींगा मछली होती है वाइट स्ट्रिम्प होती है है ना उसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है ट्वेंटी फाइव करोड़ अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फुल फॉर्म भी इसका याद रखिएगा महत्वपूर्ण है नेशनल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी Shrimp झींगा मछली ब्रीडिंग उनका प्रजनन कराने के लिए बात समझ में आ रही है तो उनका जेनेटिकली इंप्रूवमेंट कराने के लिए फैसिलिटी शुरू की जाएगी हाँ ब्लू रेवोल्यूशन बिल्कुल सही है वेरी गुड शानू सिंह इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं महत्व तो श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर मोस्टली डिपेंड्स ऑन वन एक्सॉटिक स्पेसिफिक फ्री स्टॉक ऑफ द्हाइट सिंप स्पीसीज जो कि पैसिफिक ओशन की जो व्हाइट सिरम्प झींगा मछली उस पर पूरी तरह से बेस्ड है द प्रोग्राम विल हेल्प टू ब्रेक द सिंगल स्पीसीज डिपेंडेंसी एंड प्रमोट द इंडिजीनियस स्पीसीज़ वाइस ऑफ एस एक्जोटिक्रम्प स्पीसीज तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हमारे देश में जो तो झींगा मछली उत्पादन है वो बेसिकली एक ही तरीके की जो यहाँ पर वैरायटी है सिरिम्प की उसी पर डिपेंडेंट है लेकिन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कुछ और इंडिजीनियस वेराइटीज़ और प्रजातियाँ आपकी यहाँ पर डेवलप की जा सकेंगी ठीक है आगे बात कर लेते हैं श्रिम क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिपेंडेड डिवलप बाई दी आई सी ए आर और सी आई बी ए प्रोडक्ट चार्जेस डिफरेंशियल प्रीमियम बेस्ड लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ़ द इंडिविजुअल फार्मर्स ये बेसिकली एक क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्कीम है जहाँ पर किसानों को इंडिविजुअल फार्मर्स को यहाँ पर डिफरेंशियल प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम 3.7 पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द इनपुट कॉस्ट यहां पर मिलेगी फार्मर्स विल हेल्प टू कंपनसेट ऑफ द ट्यून ऑफ द 80 परसेंट लॉस ऑफ द इनपुट कॉस्ट इन द इवेंट ऑफ द टोटल क्रॉप लॉस अगर यहाँ पर फसल खराब होती है क्रॉप लॉस होता है तो एट्टी उनको यहाँ पर क्या होगा प्रीमियम यहाँ पर उनका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो उनको प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा इंपॉर्टेंस हेल्प ऑफ द स्टेब्लिशिंग फार्मर्स एक्सेस टू द इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ तो किसानों को यहाँ पर बीमा की सुविधा मिल पाएं नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो पाए उसके लिए और इससे किसानों की इनकम को डबल करने में भी हेल्प यहाँ पर मिलेगी क्लियर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी कि जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात यहाँ पर की जाए तो पृथ्वी पर कहा जाता है अगर कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर में है कश्मीर में है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है और ना कभी न कभी घूमने जरूर गए होंगे या फिर मन में दिली इच्छा ज़रूर होगी कि जम्मू कश्मीर घूमने जाए बिल्कुल जाइए क्योंकि जम्मू कश्मीर विन्स द बेस्ट एडवेंचर destination अवार्ड जम्मू कश्मीर को यहाँ पर सबसे बेस्ट एडवेंचर यानी कि पर्यटन डेस्टिनेशन का अवार्ड आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि पर्यटकों को लुभाता है पर्यटकों को एक एडवेंचरस ट्रिप कराता है या लोगों को एक रोमांचक एहसास यहाँ पर कराता है वीडियो के माध्यम से आप कश्मीर की वादियां देख सकते हैं शानदार ये वादियां और जो शांति और सुकून वहां पर मिलता है तो बेसिकली बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे की बात करें है यूजिंग द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड के लिए आपका यहाँ पर चुना है इंपॉर्टेंट रहेगा

क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर को और स्पेशली गुलमर्ग गुलमर्ग में अभी आपके रिसेंटली विंटर ओलम जो आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे वो भी आपके यहाँ पर शुरू हुए थे गुलमर्ग में है ना गुलमर्ग और सोनमर्ग दो मर्ग हैं जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है अब मर्ग क्या होता है सर मर्ग बेसिकली घास के मैदानों को कहा जाता है घास के मैदान जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत ये मैदान होते हैं हरे भरे मैदान होते हैं मर्ग बोला जाता है सर्दियों के मौसम में यहां पर बर्फ जमती है और वैसे मौसम में यहां पर हरे हरे घास के मैदान मर्ग तो दो इंपॉर्टेंट मर्ग, मर्ग और गुलमर्ग ठीक है ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर्स पिछले दो सालों की बात करें द डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है कई बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स आपके यहाँ पर लिए हैं टू रिवाइव द टूरिज्म इन यूनियन टेरिटरी क्विकली क्योंकि कोविड नाइनटीन की वजह से जो टूरिज्म थम गया था, तो वापस से उसको रिवाइव करने के लिए उसका पुनरुद्धार करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से यह अवार्ड इनको दिया गया दिस विंटर इन सर्दियों में बिसाइड्स गुलमर्ग द रिसोर्ट्स ऑफ पहलगाम सोनमर्ग दूध पथरी एंड अदर्स वेर केप ओपन एंड दीज डेस्टिनेशन रिसीव दी कंसीडरेबल फुटफॉल तो यहाँ पर इन विंटर्स में सभी इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन आपके ओपन रहे जहां पर बहुत सारा फुटफॉल देखने को मिले मिला टूरिस्ट का बिसाइड्स न्यू ट्रैकिंग रूट्स नए ट्रैकिंग रूट्स बनाए गए हैं राफ्टिंग राफ्टिंग तो आपने करी होगी ना नदी में राफ्टिंग देखो ये बंदा अकेले ही राफ्टिंग कर रहा है राफ्टिंग लोगों को बहुत ही रोमांचक लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग एहसास होता है एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक जहाँ पर आते हैं वेअर एडेड इन द रिक्रिएशन तो बहुत सारी उन्होंने नई नई चीज़ें ऐड की हैं ताकि पर्यटकों को लुभाया जा सके ओके पोर्टफोलियो इन द सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द कमिंग टूरिस्ट जिससे जो टूरिस्ट वगैरह हैं पर्यटक हैं अरे तुमको पता है मैं वहाँ गया था मैंने ये किया मैंने वो किया अरे मैंने ये भी एक्टिविटी करी अरे मैंने ट्रैकिंग की तो जो माउस पब्लिशिंग है ना तो दूसरा बंदा भी अपनी अगली छुट्टियों में पहुंच गया बात समझ में आ रही है तो इस इनिशिएटिव से पर्यटकों के अंदर इन एक्टिविटीज के लिए रोमांच और उत्साह रहा दिस इज बिसाइड्स ओपनिंग न्यू एरियाज लेस लाइक गुरेज एंड अदर बॉर्डर एरियाज फॉर टूरिज्म कुछ नए एरियाज भी आपके यहाँ पर ओपन किए गए विच हैव इनहेंस्ड द अट्रैक्शन एंड अर्ज फॉर विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर लास्ट ईयर गुरेज वॉज एड जन्स द बेस्ट ऑफ बीट हॉलीडे डेस्टिनेशन इन द कंट्री लास्ट ईयर गोरेज नामक लोकेशन को ये जो बंदा यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर रहा है वो गोरेज में ही कर रहा है तो गोरेज को लास्ट ईयर यहाँ पर बेस्ट ऑफ बीट हॉलीडे डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया था लास्ट ईयर पूरे देश से हाँ एग्लू रेस्टोरेंट भी हुआ था बिल्कुल सही है पूजा रॉय जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार नेक्स्ट ए एस आई आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम तो सुना ही होगा अगर आप किसी भी देश के बड़े म्यूजियम में गए हैं तो उस म्यूजियम के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के सभी राष्ट्रीय संग्रहालय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर इन्होंने खोज यहाँ पर की है करीब तेरह साल पुराने थर्टीन हंड्रेड ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा की ओके आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से स्तूपा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ठीक है शुरुआत में जो आपने अवशेष यहाँ पर देखे वो करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च करते हुए रिसर्चर्स को यहाँ पर कुछ अवशेष भी हैं जो करीब करीब तेरह सौ साल पुराने हैं रिसर्च के बाद हमें पता है चला है कार्बन डेटिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से ओके तो आर्जिकॉल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टम्ड अपॉन थर्टीन हंड्रेड ईयर ओल्ड स्तूपा राइट इन द मिडल ऑफ द माइनिंग साइट इन दीसाज़ जाजपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द कोंडालाइट स्टोन्स ये बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है चट्टान होती है ठीक है कोंडालाइट स्टोन्स वेयर दी सप्लाइड फॉर द ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अराउंड द ट्वेल्थ सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी तो बेसिकली यहाँ से पत्थरों पत्थरों की माइनिंग करके इन स्टोन्स को निकाल कर पूरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए लेकर जाना था और इस काम के दौरान इस माइनिंग साइट में हमें 1300 साल पुराने स्तूपाज यहां पर मिले हैं बात समझ में आई सभी को बात समझ में आई सभी को आगे बात करते हैं डिटेल्स। 4.5 मीटर स्टॉल इनकी लंबाई करीब करीब 4.5 मीटर है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है एंड द इनिशियल श्योर इट माइट बिलोंग टू दि सेंचुरी शुरुआती जांच से पता चला है कि ये सातवीं आठवीं शताब्दी के स्तूपा आपके यहां पर हैं ओके इट वॉज फाउंडी लोकेशन है विच इज सिचुएटेड नियर दलितागिरी कॉम्प्लेक्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूपा यहाँ पर मौजूद है ललितागिरी और ललित गिरी बुद्धिस्ट साइट इज बिलीव्ड टू बी दोस्ट केयड अमॉन्ग दी थ्री साइड ललितागिरी रत्नागिरी और उदयागिरी इनमें से सबसे ज्यादा जो पवित्र है वो ललितागिरी माना जाता है एज इट्स अन अर्थ अ मैसिव स्तूफा वेरा रिलिक ऑफ द बुद्धा वाज़ डिस्कवर्ड इन साइड द स्टोन बेसिकली ये तीनों ही बुद्धिस्ट साइट्स के लिए जाने जाते हैं ललितागिरी रत्नागिरी और उदयागिरी जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपका यहाँ पर ललितागिरी क्लियर है यहाँ पर भी बहुत सारे अवशेष पहले भी मिल चुके हैं भगवान बुद्ध की पूरी मूर्ति यहाँ पर खोद कर निकाली जा चुकी है अगर हम इन, इन स्टोन्स की बात यहाँ पर करें ठीक है कोंडालाइट स्टोन्स तो ये जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके यहाँ पर होती हैं उनका ही एक फॉर्म है एंड इट्स फाउंड इन द ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की तरफ देखने को मिलेगा भारत के ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा ये पत्थर स्पेशली उड़ीसा राज्य में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड इट इज नेम्ड आफ्टर दोंडालाइट ग्रुप ऑफ रॉक्स विच इज बिलीव टू बी है ईयर्स अगो ड्यूरिंग द प्रोटोजो एरा तो ये बहुत ही साल पुराने पत्थर हैं और इनका जो कलर वगैरह होता है वो पिंक ग्रे कलरेशन इनका यहाँ पर होता है और इनका इस्तेमाल पूरी के जगन्नाथ मंदिर के ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जा रहा था सौंदर्यकरण के कार्यों के लिए किया जा रहा था इस्तूपा क्या होते हैं अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना हो तो इस्तूपाज माउंट प्रिविलेंट इन इंडिया वेर दी वैदिक पीरियड स्तूपाज कंसिस्ट ऑफ द मतलब उनका जो आकार होता था वो सिलेंड्रिकल ड्रम के आकार का होता था ठीक है इसमें ये तीन अलग अलग अंदर कंपोनेंट्स होते थे अंडा और हर्मिका और छत्रा जो आपके स्तूपा होते थे उनमें तीन अलग अलग कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं उनका जो डिज़ाइन होता था वो इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता था आराम से रीड कर लीजिएगा आगे बात करेंगे फैक्ट बुक को लेकर तो फर्स्ट ऑफ मार्च 2023 फैक्ट बुक का डिस्कशन अब यहाँ पर करेंगे शुरू कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें करना है डिस्कशन इंपॉर्टेंट है सारी की सारी न्यूज़ तो चलिए एक बार फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पहले तो आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ये वीडियो में आपको जो हाथी नज़र आ रहा है पहली चीज़ की रियल हाथी नहीं है ये एक रोबोट है या एक मशीनी हाथी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर करते हैं केरला टेम्पल केरल के मंदिर की बात करें बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ये भारत का पहला ऐसा मंदिर यहाँ पर बन चुका है फर्स्ट इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट जिन्होंने रोबोटिक एलिफेंट यहाँ पर अपने मंदिर परिसर में बनाया है या लगाया है ताकि जो भी पूजा कार्य हैं धार्मिक कार्य हैं परंपराएं हैं वो इस हाथी के माध्यम से आपकी यहाँ पर पूरी की जा सके इन अ फर्स्ट इन केरला अ लाइफ लाइक रोबोटिक एलिफेंट बिल्कुल हु जीवित हाथी की तरह ये रोबोटिक एलिफेंट आपके यहाँ पर लगता है वो रिसेंटली डेडिकेटेड द डाइटी द टेम्पल नियर हेयर फॉर दी परफॉर्मिंग डेली रिचुअल तो जो भी डेली परंपराएं हैं मंदिर के जो भी अनुष्ठान वगैरह हैं जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसमें इस हाथी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा फोर केरला मैन हैव डिजाइन दिस रोबोटिक एलिफेंट चार केरल के लोगों ने ही इस रोबोटिक एलिफेंट को डिज़ाइन किया है टू तो बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल और उत्सवों के दौरान टेम्पल में इस हाथी का इस्तेमाल आपका यहाँ पर होगा मतलब जो भी परंपराएँ हैं वो इस हाथी के माध्यम से निभाए जाएंगे आ, मंदिर का नाम आप सभी के सामने है ठीक है ये मंदिर तिरस्र में मौजूद है डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म दी नाद्या रिचुअल सेरेमनी ऑफ द दसिनिकल एलिफेंट नेम्ड इसका नाम भी है भैया ठीक है इसका नाम यहाँ पर ये रखा गया है ये हाथी का नाम होगा ठीक है और जितने भी मंदिर के परंपराएं हैं रीति रिवाज़ हैं और जो भी फेस्टिवल्स वग़ैरह में जो इम्पोर्टेंस होती है भगवान गणेश की हाथी के रूप में और जो भी परंपराएं होती हैं वो इस मशीनी हाथी के माध्यम से और रोबोटिक एलिफेंट के माध्यम से निभाई जाएंगी रोबोटिक एलिफेंट हैज़ अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट एलेवन फीट करीब करीब ग्यारह फीट ऊँचा है एंड फोर पीपल कैन सेट अ टॉप द हाथी और एलिफेंट एट द सेम टाइम चार लोग इस हाथी के ऊपर बैठ भी सकते हैं सेम टाइम पर एलिफ़ेंट हैज़ बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ़ फाइव लाख रुपयी करीब पांच लाख रुपए की लागत से ये हाथी आपके यहाँ पर बनाया गया है लाइफ साइज मैकेनिकल एलिफेंट माउंटेड द व्हील्स इन इट्स लैग कैन परफॉर्म अ प्रोसेशन तो बेसिकली इसके पैरों में पहिए भी आपके यहाँ पर लगाए गए हैं तो थोड़ा बहुत ये मूव भी वहाँ पर कर सकता है आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं पूजा अर्चना होती है उसमें हाथी का महत्व काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसके लिए हमारे देश में मतलब कई बार हाथियों को कैद में भी रखना पड़ता है और कई बार हाथियों को प्रताड़ित भी किया जाता है तो बेसिकली पेटा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है पेटा ऑर्गेनाइजेशन पेटा इंडिया जो कि जानवरों पर होने वाली क्रुएलिटी को रोकता है उन्होंने और एक फेमस एक्टर हैं साउथ के ही आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका नाम क्या है उनके साथ मिलकर ये हाथी तैयार कराया गया है पेटा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बेसिकली पेटा इंडिया के द्वारा ये गिफ्ट है इस मंदिर को चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का कि इंडिया ने यहां पर आश्चर्यचकित कर दिया है इंग्लैंड की टीम को टू विन द दिमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप यहां पर जीत लिया है और इंग्लैंड को यहां पर आश्चर्यचकित किया है भारतीय टीम जो कि जिसके पास कोई रैंकिंग भी नहीं थी उन्होंने इंग्लैंड की टीम को परास्त किया इंडिया ए रिप्रेजेंटेड बाय बाई दमानी ठीक है एंड अनु अनुपमा रामचंद्रन डिफीटेड इंग्लैंड चार तीन से इंग्लैंड को हराया इन द विमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप टू विन द टाइटल एट ही क्लब वहां पर उन्होंने यहां पर यह किताब जीत लिया है बात समझ में आई क्लियर है सभी को ओके डिस्पाइट बींग अनरैंक्ड ऑन द टूर भारतीय टीम आपको जानकार आश्चर्य ही होगा कि भारतीय टीम की कोई रैंकिंग ही नहीं थी टूर्नामेंट में अनरैंक्ड अनरैंक्ड होने के बावजूद द इंडियन जुओ एग्जीबिटेड स्किल एंड डिटर्मिनेशन ओवर कवरिंग प्लेयर लाइक ट्वेल्व टाइम वर्ल्ड चैंपियन जिनका नाम ये है दर्ल्ड दोनों खिलाड़ी उनकी टीम में थे उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी टीम को हराया एमी कामनी एक्सप्रेस हर प्राइड इन मेकिंग हर नेशन इंडिया प्राउड आफ्टर द विनिंग द विमेन्नूकर वर्ल्ड कप विदर टीम मेट्स रामचंद्रन तो रामचंद्रन के साथ मिलकर भारत को विजय दिलाने के बाद आप इन दोनों डूओ तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से भरी हुई थी उनको यहां पर हराया और भारत को प्राइड यहां पर फील कराया क्लियर है मेरी बात आगे बात करते हैं अरमान ग्रिधर गेट्स एक्सटेंशन एज द डिफेंस सेक्रेटरी तस्वीरें उनके सामने हैं तो डिफेंस सेक्रेटरी के कार्यकाल के तौर पर ग्रिधर साहब को यहां पर एक्सटेंशन दिया गया है और ये अक्टूबर दो अक्टूबर 2024 तक भारत के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव बने रहेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट हैज अप्रूव हिज एक्सटेंशन इन सर्विस एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बियॉन्ड द एज ऑफ दी एनुएशन फॉर अ पीरियड ऑफ दर्टी फर्स्ट ऑफ दी अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर तो यहां पर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है इकतीस अक्टूबर दो हजार चौबीस तक तो ये एक्सटेंशन है अपॉइंटमेंट नहीं है ये याद रखिएगा क्लियर है

ठीक है और डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने पद अपना स्वीकार किया था एक नवंबर को लास्ट ईयर ठीक है आगे बात करते हैं न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर आधार ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड जो आपके यहां पर होता है उसके वेरिफिकेशन के लिए आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए एक नया मैकेनिज्म न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपके यहां पर लाया गया है ध्यान से सुनिएगा द न्यूज सिक्योरिटी यूजेस ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूजिंग बोथ फिंगर इसके अलावा फिंगर इमेज टू चेक द लिवनेस ऑफ द फिंगर प्रिंट कैप्चर्ड यानी कि यहाँ पर वो व्यक्ति उसके फिंगर प्रिंट की कैप्चरेशन ए आई की मदद से आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग की मदद से चेक किया जाएगा ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पर किया जाएगा बेनिफिट इंक्लूड दैलिडेटिंग देन्यूननेस जेन्यूननेस का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो व्यक्ति सामने हैं जेन्यूनली वो जीवित हैं लिविंग है livingness, उन सबके बारे में आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफ़ द फिंगरप्रिंट फास्टर डिटेक्शन ऑफ स्पूइंग स्पेम्प एंड इंश्योरिंग द प्राइवेसी कर्विंग द फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें रोकने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन ए और मशीन लर्निंग की मदद से कंडक्ट किया जाएगा फिंगर प्रिंट के माध्यम से यू यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अरे यू ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश में आधार को इश्यू करता है इस रिस्पॉन्सिबल फॉर द आधार इनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग देशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द आधार लाइफ साइकिल एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा आधार नंबर की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो हमारा आधार नंबर होता है बारह डिजिट का ये तो सबको पता ही है लेकिन आधार की जो वर्चुअल आई डी होती है आधार में आप देखेंगे कि जहां पर आधार नंबर होता है उसी के नीचे लिखा होता है आधार वी आई डी फुल फॉर्म होता है आधार की वर्चुअल आई तो आधार की वर्चुअल आई होती है आपकी सोलह डिजिट की यह पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखें हिंदुस्तान का पहला आधार महाराष्ट्र की महिला को इशू किया गया था उनका नाम था रंजना सोनावड़े हिंदुस्तान का सबसे पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र की फीमेल रंजना सोनावड़े को मतलब दिया गया था उनका नाम सबसे पहले आधार पर आया था याद रखिएगा इट इज अटैचुटरी अथॉरिटी यू की बात करें तो एक संवैधानिक अथॉरिटी है और किसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत ये आपकी यहाँ पर काम करती है यू आई वन रैंक वन पेंशन स्कीम की बात करें फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन द डिफेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्टेड द कंट्रोलर जनरल एंड डिफेंस अकाउंट टू रिलीज ऑल दन रैंक वन पेंशन एरियस इन अगल इंस्टॉलमेंट तो जितना भी बकाया अमाउंट है वन रैंक वन पेंशन का उसे एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में रिलीज करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ओ आर ओ पी वन रैंक वन पेंशन मीन्स द पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है कि एक ही रैंक पर जो भी आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं यानी कि जिस रैंक पर आर्मी ऑफिसर हैं उस रैंक के सभी आर्मी ऑफिसर को सेम पेंशन आपके यहाँ पर मिलनी चाहिए क्लियर है मेरी बात सेम लेंथ ऑफ द सर्विस ठीक है रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट डेट ऑफ द रिटायरमेंट की जगह पोजीशन के हिसाब से रैंक के हिसाब से जो भी उस रैंक के अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को उस रैंक पर सेम पेंशन मिलनी चाहिए ना कि इस आधार पर तय होगा कि किसका रिटायरमेंट डेट कितना करीब है उस आधार पर बिफोर दी ओ आर ओ पी एक्स सर्विस मैन यूज टू गेट पेंशन एज पर द पे कमीशन रिकमेंडेशन इससे पहले पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से पेंशन मिलती थी द टाइम व्हेन दे हैड जब वो रिटायर होते थे उसके आधार पर उत्तर प्रदेश एंड पंजाब हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ आर आर ओ ओ पी है अधिकारियों की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन के तहत जिनको सबसे ज्यादा लाभ होगा वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के अधिकारी होंगे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द होशियारी कमेटी फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द भगत सिंह खोशियारी आपने भगत सिंह कोश्यारी का नाम जरूर सुना होगा अभी रिसेंटली भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर के पद से हटे हैं रमेश बैस अब महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं तो भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर यह डिसीजन आपके यहाँ पर आया है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी अधिकारियों के लिए जो कि इसका समर्थन करते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने यहाँ पर शिवमोगा एयरपोर्ट का इनोग्रेशन आपको यहां पर कर दिया है कर्नाटिका स्टेट में आप वीडियो के माध्यम से इनोग्रेशन की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द शिवमोगा एयरपोर्ट ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है लोकेशन आपकी है तुगा तो ठीक है ये जगह है कर्नाटिका में द न्यू एयरपोर्ट है लोटस शेब टर्मिनल इस एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपर से तो कमल के आकार से आपको यहाँ पर नजर आएगा ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो कमल के फूल की तरह ही आकृति और आकार है एंड हैज बीन डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 450 करोड़ करीब करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट आपका बनकर तैयार हुआ है द पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द एयरपोर्ट कैन हैंडल इन थ्री पैसेंजर्स पर आर हर घंटे तीन पैसेंजर्स तक को यहाँ पर हैंडल कर सकती है इस एयरपोर्ट की जो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है वो बिल्ट ऑन 775 हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एकर्स ऑफ लैंड सात सौ पचहत्तर एकड़ की लैंड में ये आपका एयरपोर्ट बना है द एयरपोर्ट हैज़ अ थ्री पॉइंट टू किलोमीटर लॉन्ग रन वे करीब करीब तीन दशमलव दो किलोमीटर लंबा रन वे है एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के लिए एंड द पैसेंजर टर्मिनल हैज़ बिल्ट अप टू दी एरिया फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्क्वायर फीट इतने एरिया में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनी हुई है द एयरपोर्ट कैन हैंडल एयरक्राफ्ट रेंजिंग फ्रॉम दी ए टी आर सेवेंटी टू टू दयर बस थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की एयरक्राफ्ट को ये आ, जो एयरपोर्ट है वो हैंडल कर सकता है उड़ान और लैंड करा सकता है इट इज कंसीडर्ड द सेकंड लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट इन द स्टेट आफ्टर द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु बेंगलुरु शहर में जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रनवे इसी एयरपोर्ट का आपके यहाँ पर बनता है जिसका नाम है शिवमोगा एयरपोर्ट क्लियर है इनोग्रेशन हो चुका है और हाँ आपको याद दिला दूं कि ये कर्नाटका स्टेट का नोवा एयरपोर्ट बनता है अगर मैं ओवरऑल बात करूं नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यूएस लीड फैब फोर चिप अलायंस मीट टू कोऑर्डिनेट सप्लाई चेन रेजिलियंस अब क्या है ध्यान से समझिएगा अ सेमी कंडक्टर अलाइंस अभी कुछ वक्त पहले जब देश में कोविड नाइन्टीन का असर हुआ था और पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन की सिचुएशन आपकी यहाँ पर बनी थी उस दौरान सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो सेमी कंडक्टर है चिप वगैरह की मेकिंग के लिए उसकी कमी महसूस की गई थी क्योंकि दुनिया में सेमी कंडक्टर चिप और सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए जो सबसे बड़ा आपूर्ति करता है सप्लायर है वो चाइना है ओके तो अ सेमीकंडक्टर अलायंस कंपराइजिंग द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सेमीकंडक्टर अलायंस का मतलब बेसिकली जो ये कंपनियों का ग्रुप है सेमीकंडक्टर अलायंस है ठीक है इसमें दुनिया के जो टॉप प्रोड्यूसर हैं उनको शामिल किया गया है जिसमें यूएस भी है ताइवान भी है जापान भी है साउथ कोरिया भी है हैज बीन कन्वेंट रिसेंटली ये सब मिलकर अलायंस बनाएंगे कोऑर्डिनेट करेंगे सप्लाई चेन के लिए किसके लिए सेमी कंडक्ट सर्व एज एन अर्ली वार्निंग एंड म्यूचुअल रिमाइंडर सिस्टम टू इंश्योर स्टेबल सप्लाई ऑफ द चेन फॉर चिप मैनुफैक्चर जैसे कि मैंने आपसे कहा कोविड पेंडेमिक के दौरान चिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी दिक्कतें आई बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक एंड दी ग्लोबल लॉकडाउन तो वो चीज आप दोबारा वैसे ना हो उसको रोकने के लिए प्रिवलेंट प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ चिप शॉर्टेज एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन टू रिड्यूस द वर्ल्ड्स डिपेंडेंसी ऑन चाइना जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चाइना पर जो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्लाई वहीं से होती है उसको रोकने के लिए अलायंस बनाया गया है इंडिया हैज़ लिमिटेड फैब्स और सेमी कंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट्स विच मैन्युफैक्चर चिप्स एंड मोस्टली इज आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स तो भारत भी यहाँ पर सेमी कंडक्टर चिप्स के इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं इससे भारत को भी फायदा होगा दूसरी ज़रूरी बात कि अभी रिसेंटली भारत की एक बहुत ही बड़ी मेटल कंपनी वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ एक करार किया है जिसके माध्यम से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात में जहां पर प्लांट स्टैब्लिस किया जाएगा आजाद भारत में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये सबसे बड़ा निवेश है कि दो कंपनियां मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगी सेमी प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए वन करोड़ का ये आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और ये प्लांट आपका बनाया जाएगा गुजरात में वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर बनाएंगी वेरी गुड धनंजय जी ने यहाँ पर बताया वेरी गुड वेरी गुड तो भारत भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है पूरा प्रयास कर रहा है कि जो डिपेंडेंसी है चाइना पर सेमी के लिए सेमी चिप्स के लिए वो डिपेंडेंसी हम भी यहाँ पर तोड़ें तो चलिए यहां पर न्यूज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ सेशन अच्छा लगा हो यहां तक न्यूज डिस्कशन समझ में आया देन डू लाइक द सेशन वन चलिए शुरू हो जाइए फटाफट फटाफट आंसर देने के लिए क्वेश्चन नंबर करंट ऑफ ऑफ दी फॉलोइंग डेज इज नॉट ऑन द मार्च एवरी ईयर हमने देखा आज की न्यूज में देखा आज के सेशन में देखा कि हमने तीन इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कशन किया है जो कि फर्स्ट ऑफ मार्च को आपके सेलिब्रेट किया जाते हैं कौन सा डे आपका फर्स्ट ऑफ मार्च को सेलिब्रेट नहीं किया जाता पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब अभी हमने देखा था कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है वर्ल्ड हेल्थ डे आपका यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है या नहीं वर्ल्ड हेल्थ डे ध्यान से बताइएगा आंसर इसका आंसर ध्यान से बताइएगा कि सही जवाब क्या होगा वर्ल्ड हेल्थ डे दे का देखिए सही जवाब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे आपके यहाँ पर नहीं मनाया जाता वाई वर्ल्ड हेल्थ डे जो आपका मनाया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है सेवेंथ ऑफ अप्रैल सात अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि सात अप्रैल 1948 1948 में क्या स्टैब्लिश हुआ था डब्ल्यू एच ओ की स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनवा हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है सात अप्रैल को मनाया जाता है क्यों क्योंकि 1948 में सात अप्रैल को डब्ल्यू की स्थापना हुई थी जेनवा स्विट्जरलैंड में इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन ये गलत है सही जवाब ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए ए ही ही होगा इसे ही होगा इसे करेक्ट कीजिएगा सही जवाब कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है ये गलत है गलत जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने डिस्कस किया कि मनाया जाता है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा आप लोग इसे कर so अभी हमने किया कि तीन अलग अलग फ्लैग प्रोग्राम आपके यहां पर शुरू किए गए हैं फिश्ररी सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा उसमें शामिल नहीं है कॉमन एरियाज़ फिशरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्ट्रिम क्रॉप इंश्योरेंस या फिर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट स्ट्रिम या फिर फेज टू नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस फटाफट से बताइएगा कि सही जवाब क्या बनेगा करेक्ट आंसर अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन इस पर किया है सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसके बारे में कोई डिस्कशन हमारा नहीं हुआ इन तीनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन यहां पर हो चुका है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन चूज इन फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड बाय द इंडिया टूरिज्म सर्वे किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट को यहाँ पर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड का अवार्ड आपका यहाँ पर दिया गया है तो इसका सही जवाब बन जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर्वे ऑफ इंडिया और ए एस आई ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा इन विच ऑफ किस राज्य से यह तीन सौ तेरह सौ साल पुराना जो स्तूपा है वो आपका यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब फटाफट से बताएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा किस राज्य से इसको फाइंड आउट किया गया है तो माइनिंग के दौरान जहां पर पत्थरों की खुदाई की जा रही थी उन पत्थरों का इस्तेमाल पूरी के जगन्नाथ टेम्पल के लिए किया जाना था वहां पर माइनिंग के दौरान हमें यह फाइंड आउट हुआ उड़ीसा राज्य जितने भी लोगों ने आंसर यहाँ पर दिया है वो लोग यहाँ पर सही है ओके तो सी और सी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए जो कंप्लीट स्केड्यूल है महा तैयारी का वो आप सभी के सामने है इंग्लिश सेशन इकोनॉमिक्स की क्लास जी एस पॉलिटी की क्लास जनरल साइंस मैथ्स जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स टाइमिंग्स आप सभी के सामने हैं आराम से इनको देख लीजिए आप इनका स्क्रीन शॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं ताकि आप डेली बेसिस पर सभी सेशंस का हिस्सा आप यहाँ पर बन सकें आप हमारी एमबाईव एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको ए आई पावर लर्निंग मिलेगी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो सब आपको ई बुक के फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगे आपको अलग से बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की कांसेप्चुअल वीडियोस देख सकते हैं तो जरूर विजिट कीजिएगा एमबाईव एप्लीकेशन पर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशंस की अपडेट्स और पीडीएफ के लिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कीप एमबाईविंग वी बिलीव इन यू वी बिलीव इन यू अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ कीप एमबाईविंग वी बिलीव इन यू